ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोलिए देवादिदेव महादेव की। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की दान वीरता की गाथाएं आपने वेद पुराणों के माध्यम से पढ़ी और सुनी होगी। जैसे सागर मंथन के समय हलाहल विष का पान करना हो, अथवा ब्रह्मा जी को वेद और रावण को लंका का दान करना हो। परंतु आज मैं आपको परम शिव भक्त भागीरथ की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह भागीरथ के आह्वान पर उसके पुरखों को तारने हेतु भगवान शिव ने अपने शीश पर माँ गंगा को धारण किया और गंगाधारी के नाम से त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुए। तो आइए सुनते हैं शिव भागीरथ की पावन कथा। शिव शंकर की कथा सुनाओ, शिव शंकर की कथा सुनाओ, सुन लो लगा कर ध्यान। कैसे भागीरथ का शिव ने भक्तों किया कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। पृथ्वी लोक पर सगर नामक महाप्रतापी राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार गुरुओं के परामर्श पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाने की सोची और यज्ञ का घोड़ा सृष्टि भ्रमण हेतु छोड़ दिया। इधर इंद्र ने सोचा, यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो ऐसा ना हो कि सगर मेरा सिंहासन छीन ले। सो उसने छल से यज्ञ का घोड़ा चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम आ गए। मुनिवर तप में लीन थे, परंतु सगर पुत्र उन्हें निरंतर अपशब्द कहते रहे। मुनिवर ने ज्यों ही क्रोध में नेत्र खोले तो क्या क्या घटित हुआ भक्तों, आइए सुनाता हूँ। जैसे ही थे नेत्र खुले, नैनों से निकली ज्वाला। उस ज्वाला ने सगर पुत्र को पल में भस्म कर डाला। सगर ने सारी बात सुनी तो आश्रम दौड़े आए। क्षमा करो मुनि देव के चरणों ये अरदास लगाए। ये है इंद्र की करी कराई, करी कराई बात लीजिए जान। प्रेत बने हैं पुत्र मेरे, कर दीजिए कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। मुनि देव को जब सत्य ज्ञात हुआ भक्तों, तो उनका क्रोध भी शांत हो गया। सगर से बोले कि हे राजन, मेरा श्राप तो अब वापस नहीं होगा, परंतु तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने का एक उपाय बताता हूँ, और वो उपाय है माँ गंगा का जल। किसी तरह से माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा और उसके जल में इन पुरखों की राख को मिलाना होगा, तभी इनकी मुक्ति संभव है। कार्य दुष्कर है राजन, परंतु असंभव नहीं। तो जाओ और जाकर माँ गंगा को धरा पर लाने का प्रयत्न करो। राजा सगर उसी समय वनों में जाकर गंगा माँ का तप करने लगे। एक एक कर सगर की अनेक पीढ़ियां तप कर हार गई
और मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु गंगा को धरा पर न ला सके। अब बारी थी भागीरथ की, कैसे गंगा को लाता है आइए बताता हूँ। विष्णुपदी है गंगा मैया, भागीरथ ने जाना, इसीलिए विष्णु के तप को भागीरथ ने थाना। घोर तपस्या की विष्णु की, हरि दर्शन दिखलाए, ब्रह्मा जी की करो तपस्या ये उपाय समझाए। गंगा है ब्रह्मा की पुत्री, ओ गंगा है ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्म कमंडल धाम, इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ही कर सकते कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भागीरथ के घोर तप से ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने भागीरथ को पुनः दर्शन दिए और गंगा को मृत्यु लोक में भेजने हेतु तैयार हो गए। परंतु प्रश्न यह था कि माँ गंगा का वेग इतना प्रबल था कि यदि सीधी धार पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी के दो टुकड़े हो जाएंगे। गंगा माँ का वेग कम करने का केवल और केवल एक उपाय है कि पृथ्वी पर जाने से पहले उसका भार कोई धारण कर ले। और हे भागीरथ, यह कार्य भगवान शिव के अतिरिक्त इस पूरी सृष्टि में और कोई नहीं कर सकता। भागीरथ ने सांचे मन से शिव की अलख जगाई, दर्शन दे दो भोलेनाथ जी है दुहाई दुहाई। पुरखे मेरे प्रेत बने हैं मारे मारे फिरते, आप ही केवल उन सब का कल्याण प्रभु कर सकते। तुम हो दानी तुम वरदानी, हो दानी तुम वरदानी, कहते वेद पुराण, आप ही केवल कर सकते हैं पुरखों का कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भागीरथ के आह्वान पर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। भागीरथ ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का तप किया। उन्होंने बताया कि केवल आप इस सृष्टि में माँ गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। प्रभु मेरे पुरखों का कल्याण कीजिए, उनके हित यह कार्य कर दीजिए। प्रभु अपने भक्त का कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। दयानिधान शिव ने भागीरथ के आह्वान को स्वीकार किया भक्तों, और माँ गंगा के वेग को अपने केशों में धारण करने हेतु तैयार हो गए। और इधर माँ गंगा पूरे वेग से स्वर्ग से निकल पड़ी। भागीरथ के आह्वान पर शिव जी दर्श दिखाए, गंगा धारण करने हेतु खोल दी अपनी जटाएं। विष्णु नख से निकली गंगा ब्रह्म कमंडल आई, ब्रह्म कमंडल से निकली और शिव की जटा समाई। काम कोई जो कर नहीं सकता, काम कोई जो कर नहीं सकता, करते शिव भगवान। गंगा मैया के प्रबल वेग को शिव ने लीना था। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
फिर शिव जी ने गंगा माँ की एक निर्मल धारा मृत्यु लोक हेतु भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ दी। भागीरथ भगवान शिव की जय जयकार करता, हर हर गंगे बुलाता, आगे आगे चलता और पीछे पीछे माँ गंगा की निर्मल धारा बहती चली जाती है। माँ गंगा ने धरती पर प्रवेश गोमुख से किया था भक्तों, और ऋषिकेश हरिद्वार प्रयागराज और काशी होती हुई बहती आई, और जैसे ही भागीरथ के पुरखों की राख माँ गंगा में समाई, सभी पुरखे प्रेत योनि से मुक्त हो गए। शिव भोले को जिसने ध्याया मुक्ति का फल पाया, शिव शंकर ने बाह पकड़ के भव से पार लगाया, जो भी शिवलिंग पर है जाते गंगा जल है चढ़ाते, शिव की कृपा पाते वो जो चंदन तिलक लगाते, है शिव भोले गंगा धारी हो, है शिव भोले गंगा धारी देते अभय वरदान, जन्म जन्म तक करते रहो तुम शिव जी का गुणगान। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।